हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सलीम अहमद फिल्मोग्राफी 78 हाजिर हूं आपके सामने। आज हमारे शहर के अंदर बड़ी आबादी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर कुछ दिनों पहले 8 फरवरी को वायलेंस हो गया था। उसके बाद से इंटरनेट पर मैं आपसे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज यहाँ के हालात सामान्य हो गए। और देख रहे होंगे कि आप बाज़ार के अंदर काफ़ी भीड़ है, मैंने सारा बाजार आपको एक सिरे से दिखा दिया है। और अब यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, ज़िंदगी जैसी चलती थी वैसी ही चल रही है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही चलेगी। तो वीडियो में जुड़े रहिए, छोड़कर मत जाइए, और देखिए वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि बीते दिनों हल्द्वानी के अंदर हिंसा हुई थी, और उस हिंसा में काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे शहर का और वन भूलपुरा का। तो मैं आज 8 दिन के बाद, यानी कि आज 9वां दिन है, और आज के दिन बाज़ार के क्या हालात हैं और शहर के क्या हालात हैं, यही दिखाने के लिए मैं आपको मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी सामान्य हो चुकी है, बहुत लोगों को नुकसान पहुँचा है इस लड़ाई में, इस दंगे में। बेकसूर लोग भी इसके अंदर जो है बहुत परेशान रहे, अपने घरों के अंदर बंद रहे। आप देख रहे हैं ये बाज़ार है, इस बाज़ार के अंदर इस वक्त सामान्य माहौल है, और लोग बाज़ार में रोज़मर्रा की तरह ख़रीदारी करने के लिए निकल चुके हैं। ये दुकानें सज गई हैं, और आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर काफ़ी भीड़ है, और लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए भी, और अपने कामों के वास्ते भी आ रहे हैं। बाज़ार फिर भी सज गया है, और क्योंकि आगे सीजन शादियों का है और गर्मी का मौसम भी अब आ रहा है धीरे धीरे, तो ये बहुत एक अच्छी बात हुई है यहाँ वालों के लिए कि बाज़ार फिर से उसी तरह से खुलने लगे हैं जैसा कि कर्फ्यू से पहले खुला करते थे। 6 दिन तो बिल्कुल बंद रहा था हमारा इलाका, लेकिन अब जो है बाज़ार खुलने लगा है, और बाज़ार के अंदर रौनक भी बहाल होने लगी है, क्योंकि कारोबार इंसानों से ही होता है, जब इंसान आएंगे तो ही कारोबार चलेगा। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सारा सामान बिल्कुल आसानी के साथ आपको मिल रहा है, तो जो लोग बाज़ार बाहर से आने वाले हैं वो अब हल्द्वानी के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले जैसा। और कहते हैं कि जिस तरह से हर रात के बाद एक दिन आता है और हर पतझड़ के बाद एक बहार आती है, बस इसी तरह से हल्द्वानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि एक काली रात थी जो निकल गई, अब इंशाअल्लाह उजाला रहेगा, रोशनी रहेगी, अच्छाई रहेगी और भाईचारा रहेगा, और इसी भाईचारे के बीच हम लोग रहेंगे और अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने देश को, अपने शहर को तरक्की की और बुलंदी की एक नई दास्तान बना देंगे, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपना सहयोग दें। यह है हल्द्वानी का मेन बाज़ार, और यह है वुमेन हॉस्पिटल, आप देख रहे हो महिला चिकित्सालय। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ सी लग रही है, और क्योंकि बहुत दिन से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। Thank you.